नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि केंद्र सरकार ने कल चुपचाप बहुत ही गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के अधिकार कम करके उनको छीन के एलजी को देने का एक कानून पास किया है कल कैबिनेट ने। दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे जीएनसीटीटी एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो एलजी के पास होगी। एलजी का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की बीजेपी की सरकार के पास में होगी। स्टेट गवर्नमेंट, जिसको जनता चुनती है, दिल्ली की जनता चुनती है, उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। और बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने ये कैबिनेट में कानून लेके आए और उसको पास किया। केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ तो है ही है, ये संविधान के भी खिलाफ है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होगी और उसके पास में तीन सब्जेक्ट को छोड़ के, सारे काम पर तीन मुद्दों को छोड़ के, पुलिस, जमीन एंड पब्लिक ऑर्डर, इन तीन चीजों को छोड़ के दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा सारे मसलों पर निर्णय ले सकेगी और सारे मसलों पर गवर्नमेंट चला सकेगी। इस बात को 2015 में सबको याद होगा कि किस तरह से तब बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने एलजी के माध्यम से मनमाने तरीके से संविधान में लिखे होने के बावजूद इंटरप्रिटेट किया कि नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी दिल्ली की सरकार को। फिर जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने संविधान में लिखे हुए को और स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा, इसके पास में तीन सब्जेक्ट को छोड़ के, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, इनको छोड़ के हर मामले में फैसले लेने का अधिकार है। ये निर्णय लेंगे कि दिल्ली की बिजली कैसे चलेगी, बसें कैसे चलेंगी, स्कूल कैसे चलेंगे, अस्पताल कैसे चलेंगे, ये सब चुनी हुई सरकार निर्णय लेगी। और इस बात को संविधान की पीठ ने, पांच जजों की बेंच ने बहुत स्पष्ट तरीके से कि संविधान में क्या लिखा है उसकी व्याख्या कर दी। अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा इनके पास में। सारे काम संविधान की बेंच ने कहा भी चुनी हुई सरकार के पास में है, उसमें एलजी का कोई रोल नहीं है। एलजी के पास में केवल और केवल इंफॉर्मेशन जाएगी सरकार के लिए हुए फैसलों की, फैसला सरकार लेगी, चुनी हुई सरकार लेगी और उसकी इंफॉर्मेशन एलजी को जाएगी। ये संवैधानिक बेंच ने संविधान की व्याख्या करते हुए साफ साफ लिखा है। लेकिन अब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को किनारे करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की व्याख्या को किनारे करते हुए, इसके उलट, संविधान में दी गई व्यवस्था के उलट जाते हुए यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली में दिल्ली की चुनी हुई सरकार होने के बावजूद एलजी के हाथ में पावर होगी निर्णय लेने की, डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो एलजी के हाथ में होंगे। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। तीन बार दिल्ली का चुनाव हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने तीन चुनावों में कहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस नहीं चाहिए दिल्ली में। अब ये पिछले दरवाजे से आके दिल्ली के जनता की गवर्नेंस को चलाना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ जाके चलाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरह के जनता के पक्ष के फैसले लिए हैं, जनता के हित में जो शानदार काम किए हैं, उन सब के बारे में फैसला लेने का अधिकार फिर बीजेपी को मिल रहा है पिछले दरवाजे से। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी हमको स्कूल बनाने, सरकारी स्कूल अच्छे करने,
भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे में ही नहीं है स्कूल। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी कि भाई प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देनी, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी खुलेआम प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़वाती है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी मोहल्ला क्लिनिक बनानी है, भारतीय जनता पार्टी की कहती है कि भाई मोहल्ला क्लिनिक तो ठीक नहीं है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी सरकारी अस्पतालों को ठीक करो, भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से कहेगी नहीं सरकारी अस्पताल ठीक करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने तो अपने सारे सरकारी अस्पताल बर्बाद कर रखे हैं जहां जहां इनकी सरकारें, और जहां जहां इनकी सरकारें सरकारी अस्पताल भी महंगे कर रखे हैं इन्होंने। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी कि भाई सरकारी अस्पतालों में सबका मुफ्त इलाज होना चाहिए, सबको फ्री दवाई मिलनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहेगी नहीं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी कि दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमने तो पूरे देश में बिजली महंगी कर रखी है, दिल्ली में कैसे सस्ती कर सकते हैं। पिछले दरवाजे से जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार चलाने की पावर दी जा रही है तो यही निर्णय करेगी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी भाई लोगों को पानी फ्री चाहिए, पीने का पानी तो लोगों को कम से कम फ्री मिलना चाहिए साफ, ये कहेंगे नहीं पानी पे तो पैसा कमाना चाहिए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी कि बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा होनी चाहिए, ये कहेंगे हम तो इसके खिलाफ हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि 5 साल पहले 2015 में जब तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की संविधान के बारे में व्याख्या नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया था कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकार है, तब तक इन्होंने हमारे सारे काम रोकने की कोशिश की थी। इन्होंने CCTV रोक के रखे भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें दबा के रखी, इन्होंने स्कूलों की फाइलें दबा के रखी, इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटीज की फाइलें दबा के रखी। उसके बाद जब संवैधानिक पीठ ने व्याख्या कर दी, उसके बाद से दिल्ली सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जब दिल्ली की जनता के बारे में फैसला लेना शुरू किया तो उसके बाद काम धड़ाधड़ हुआ। आप देखो मोहल्ला क्लिनिक बनते चले गए, सारी जगह CCTV लग गए, बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, महिलाओं के लिए बसें फ्री हो गई, सरकारी स्कूल और शानदार होते चले गए, नई यूनिवर्सिटी बनने लगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी इन सब कामों को अड़चन डालने, इन सब कामों में अड़चन डालने के लिए, इन सब कामों को रोकने के लिए, ये पिछले दरवाजे से दिल्ली को चलाने के लिए ये साजिश के तहत ये कानून लेके आई है, जो ना सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ है, जो ना सिर्फ दिल्ली की जनता की मर्जी के खिलाफ है, क्योंकि दिल्ली की जनता की मर्जी है कि उसको उसकी चुनी हुई सरकार चलाए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता की मर्जी में नहीं आती है। दिल्ली की जनता की मर्जी के खिलाफ जाके, संविधान की मर्जी के खिलाफ जाके, संविधान की व्याख्या के खिलाफ जाके, ये जाके आज पिछले दरवाजे से दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में बिजली कैसी होगी, दिल्ली में पानी कैसा होगा, दिल्ली में स्कूल कैसे होंगे, दिल्ली में अस्पताल कैसे होंगे, ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो संविधान के खिलाफ है और जनता की मर्जी के खिलाफ है, यही आपके सामने रखना था। सर जो नए अमेंडमेंट किए गए वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पावर आप लोगों से? बहुत ही खुफिया तरीके से अमेंडमेंट किए हैं, लेकिन जो मोटे तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर कम करके LG साहब के पास में पावर दी जाएगी, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान में लिखा हुआ है उसके खिलाफ है। संविधान में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को साफ साफ पावर दी हुई है, उसके खिलाफ है। सर अब आगे क्या आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? बताएंगे अभी, एक बार ये सारा स्टडी कर लें उसके बाद देखेंगे क्या।